शिवपुरी में राज्यसभा सांसद धीरज साहू का विरोध, भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला, लगाए मुर्दाबाद के नारे। शिवपुरी जिले में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के माधव चौक चौराहे पर झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का पुतला दहन किया है। पुतला दहन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने धीरज साहू और कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पुतला दहन के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष राजू बाथम ने कहा कि झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर पड़े छापे में अब तक 200 करोड़ से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भ्रष्ट नेताओं ने जनता की मेहनत की कमाई को तिजोरियों में बंद कर रखा है। केंद्र में भाजपा सरकार ऐसे नेताओं पर कार्यवाही कर रही है। विरोध स्वरूप हमने पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान शिवपुरी के नवनिर्वाचित विधायक देवेंद्र जैन, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस आकंठ सदैव भ्रष्टाचार में डूबी रही है। आज पूरा देश और दुनिया देख रही है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के 10 ठिकानों पर नोटों की गिनती जारी है और अभी 200 करोड़ से अधिक रुपए जो उन्होंने अवैध कमाई की थी वो मिल चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय विधायक जी हमारे नवनिर्वाचित शिवपुरी के भी हैं उपस्थित, वरिष्ठ नेता भी हमारे यहाँ, सभी ने कांग्रेस पार्टी के इस आकंठ डूबे भ्रष्टाचारी राज्यसभा के सांसद का पुतला दहन किया है कर्मचारियों ने, और देश और दुनिया को ये बताया है कि कांग्रेस की जड़ में सदैव से भ्रष्टाचार रहा है। और इसीलिए इतने नौ अलमारियों में आप सबने देखा है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर पैसे नोट जमे रखे हैं, और ऐसा भ्रष्टाचार का पैसा कांग्रेसियों के आई मिलता है।